विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से बहुत सारे प्रकरणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और हमने इसमें शैशव अवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट जो अंतिम वीडियो था इसमें वो थी कि दोहराने की प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है या जिज्ञासा वृत्ति सीखने की प्रवृत्ति है या अकेले साथ खेलने की प्रवृत्ति है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। मतलब हम उसमें शैशव अवस्था की विशेषता पर अंतर हम बहुत पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है शैशव अवस्था का स्वरूप। आज का हमारा प्रकरण है वो शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा है। हमने इससे पहले पढ़ा था वो ये था कि शैशव अवस्था की विशेषता। अब शैशव अवस्था की विशेषता में शैशव अवस्था में शिक्षा का महत्व नहीं, हम जो बालक को शिक्षा देते हैं जन्म से लेकर 5 वर्ष तक ये हमारी होती है शैशव अवस्था होती है। इस शैशव अवस्था में हमारा अध्यापक अभिभावक के लिए शिक्षक शिशु के सीखने पर ध्यान देना प्रमुख कर्तव्य होता है। इसमें क्या होता है कि बालक के विकास या बालक के सीखने की प्रवृत्ति पर कई भावों या अध्यापकों के लिए शिशु के लिए अध्यापक अभिभावक शिशु के सीखने पर देखो शिक्षा में या शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप है ये तो बताया कि बालक के सीखने की प्रवृत्ति पर इसका अभिभावकों का या अध्यापकों का कि ये शिशु के सीखने की प्रवृत्ति शिशु की सीखने की प्रवृत्ति के लिए ये एक विशेष ध्यान देना या कर्तव्य होता है। ये हमने कहा वैलेंटाइन ने भी कहा फिर लिखा है सीने का आदर्श काम हुआ है Mm-hmm.
शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तीव्रता होती है। कैसी होती है? सीमा और तीव्रता और भी है, तीव्रता विकास की बात है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर, विकास की ओर, किसी भी विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत ही अधिक होती है। इस ऐसा अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर सी अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। ये कथन था वॉटसन का, इसका नाम वॉटसन का। तो ये दो परिभाषा हमारे एग्जाम के अंदर भी आती है, जिसके बारे में बताया है कि शैशव अवस्था में शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो शिक्षा की महत्व बताया गया है, वेलेंटर ने कहा है कि ये शैशव अवस्था सीखने की जो आविष्कार बनाता है ये वेलेंटर ने कहा था। और शैशव अवस्था में सीखने की सीमा तीव्रता और विकास की ओर और किसी अन्य विकास की ओर किसी विकास की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, ये वेलेंटर ने कहा था। इस प्रकार अब शैशव अवस्था में शिक्षा का आयोजन निम्न प्रकार का है, मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है समुचित वातावरण, समुचित वातावरण। शैशव अवस्था के अंदर बालक का वातावरण किस प्रकार का है उसके बारे में पढ़ेंगे कि समुचित वातावरण यानी परिवार का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, उसे बोलते हैं समुचित वातावरण। तो शिशु पर परिवार, पड़ोसी, विद्यालय के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाता है जिस वातावरण में वो रहना चाहता है। बालक को शांत वातावरण अच्छा लगता है या शांत वातावरण के प्रति वो खेलना आसान करता है, परिवार में सब उसे प्यार करें। तो बच्चे के सामने, शिशु के सामने जिस प्रकार का परिवार या अध्यापक या विद्यालय के जो भी विद्यार्थी उसके सामने जिस प्रकार का हम व्यवहार प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रकार के व्यवहार को वो ग्रहित करता है, अनुग्रहित करता है, उसको सीखने का अनुग्रहण करता है। तो समुचित वातावरण के बालक को ऐसा वातावरण चाहिए जिसकी उसकी नींव का विकास सही प्रकार से हो। अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा विकास होगा, बुरे वातावरण में बुरा विकास होगा। तो बालक को हमेशा शांत वातावरण रखना चाहिए, उसको स्वस्थ रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए और सुरक्षित रखने के आधार पर वो अपना अनुग्रह का निर्माण कर सकता है। सेकंड नंबर जो हमारा हुआ है शारीरिक विकास के अवसर, शारीरिक विकास का अवसर देना मतलब होता है कि शिशु का शारीरिक विकास किस गति से होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है, मनोविज्ञान के इस पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है कि बालक का प्रारंभिक जो काल होता है, जो शैशव अवस्था होता है, उसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। उसका वृद्धि और विकास दोनों ही तीव्र गति के साथ होता है। अतः माता पिता को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि उसका शारीरिक विकास किस प्रकार है। माता पिता को पूरा ध्यान देना चाहिए कि शैशव अवस्था में
लालन पालन वो सब पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक को समय समय पर पानी, समय समय पर भोजन और उसके जो अनेक प्रेरित गतिविधियाँ हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब एक माँ है, एक माँ अपने शिशु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है, उसको समय समय पर जिस प्रकार की गतिविधियाँ, दूध पीना है, पानी पीना है या उसे खाना खाना है, तो सब प्रकार की बातों पर माँ महत्वपूर्ण ध्यान रखती है, क्योंकि उसके शरीर में कोई विकार पैदा ना होना चाहिए। विकार समझ तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी या कोई उसका भूख तो नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के विकार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी शारीरिक व्यायाम के लिए उसे अवसर देना चाहिए, मतलब उसको शारीरिक मतलब योगासन बोलते हैं आप, योग करवाना चाहिए। योग करने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, फिट रहता है और बहुत ही हल्का रहता है, और शरीर के वातावरण के अनुसार जिस प्रकार के हम चलते हैं, जिस प्रकार के योगासन करते हैं, योगासन से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो बीमारियाँ हैं या फिर जो विकार हैं उन विकारों को दूर करते हैं। तो हमें शारीरिक विकास के अवसर शिशु अवस्था पर माता पिता को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हम इसी के टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।